राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में विदेशों से आने वाले कोयले की खेप में मिलावट करने वाला गैंग सक्रिय हो गया है, जिसका सिलतरा चौकी में एक मामला सामने आया है। दरअसल सिलतरा स्थित एक स्टील कंपनी में दो ट्रक मिलावटी माल मिलने पर ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पानी के जहाजों के जरिए साउथ अफ्रीका से विशाखापट्टनम कोयला लाया जाता है और विशाखापट्टनम से रायपुर लाने के दौरान कोरबा, अंबिकापुर समेत रायपुर में संचालित अवैध वार्डों में लाकर मिलावट की जाती है। साथ ही मामले में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एक सिलतरा चौकी में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, अमानत में खयानत का। वहाँ निको जायसवाल फैक्ट्री का शिफ्ट इंचार्ज जाकर के रिपोर्ट कराया था कि उसके जो वहाँ से कोल आते हैं, उस कोल बीच में उसको मिक्स करके बी ग्रेड का कोयला उसको सप्लाई किया गया था, जबकि उसको अच्छे क्वालिटी का कोयला मिलना था जो नहीं मिल पाया। पूछताछ पर ये स्पष्ट हुआ तो उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ये भी जांच जा रही है कि ऐसे कौन कौन से जगहों पर मिलावट का काम किया जाता है।